हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की बुक विस्टास के लेसन नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू एंटार्कटिका? लेखक ने एंटार्कटिका की यात्रा कैसे की? द ऑथर ट्रेवल टू एंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेजल एकेडमिक शोकल्स किए। लेखक ने एक रूसी खोजी जहाज एकेडमिक शोकल्स ये पर एंटार्कटिका की यात्रा की। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, उसने लगभग 100 घंटे की यात्रा की, इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप, कुछ देर गाड़ी में, फिर प्लेन पर और जहाज पर। दस ही रीच्ड एंटार्कटिका आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस प्रकार एक लंबी दूरी तय करके वह एंटार्कटिका पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट एंटार्कटिका? एंटार्कटिका के विषय में किस बात पर लेखक को सबसे अधिक आश्चर्य हुआ? द ऑथर गॉट द नॉलेज दैट इंडिया एंड एंटार्कटिका वर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास। लेखक को पता चला कि कभी भारत और एंटार्कटिका एक ही बड़े भूभाग का हिस्सा थे, अंग थे। This fact surprised him most about Antarctica. इस बात पर उसे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ, as at present the climate of these places is altogether different, कि इन दोनों स्थानों की जलवायु अब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। He was also surprised as its immensity and its isolation. उसे अब एंटार्कटिका की विशालता और उसके अलग अलग होने पर भी आश्चर्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ गोंडवाना? गोंडवाना की जलवायु संबंधी दशाएं कैसी थीं? द क्लाइमेट ऑफ गोंडवाना वाज वार्म इनफ। गोंडवाना की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, काफ़ी गर्म थी। दिस क्लाइमेट होस्टेड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इस जलवायु में विविध प्रकार की वनस्पति और जीव पनपते थे। There existed mammoth animals such as dinosaurs and woolly rhinos in that climate. उस जलवायु में डायनासोर्स और ऊन वाले गैंडों जैसे बड़े बड़े दैत्याकार जानवर अस्तित्व में थे। क्लियर? There was no existence of human beings then. उस समय मनुष्य अस्तित्व में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस It's not good. What does the line signify? मनुष्यों के लिए पूर्वानुमान अच्छा नहीं है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? Antarctica is a place where we can study the Earth's past as well as the present. Antarctica एक ऐसा स्थान है जहाँ हम इस दुनिया के भूत के साथ साथ वर्तमान का भी अध्ययन कर सकते हैं। Our future can also be guessed on seeing the ill effects of global warming there. और इसके साथ ही हम आने वाले समय यानी कि भविष्य का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत अच्छे और जल्दी से। The study of this place makes it clear that the world is heading towards a great danger. यहाँ के अध्ययन से ये भी पता चला बच्चों कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। Thus the प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन्स। इस प्रकार मनुष्यों के लिए पूर्वानुमान अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज हैव द ह्यूमन्स एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर? मनुष्य ने किन तरीकों से प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है? ह्यूमन्स हैव इनहैबिटेड विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगासिटीज। मनुष्य ने गांव, कस्बे, शहर, हर जगह लोग बसा दिए। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, ऐसा करके, दे हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड अदर नेचुरल प्लेसेस। उसने जंगलों को नष्ट किया, पर्वतों को नष्ट किया और सभी प्राकृतिक स्थानों पर एक तरह से कब्जा कर लिया। दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एट देयर विल। एक तरह से वो इन चीज़ों का यूज़, मैं कहता हूँ यहाँ पर मिसयूज कर रहा था, एट देयर विल, अपनी इच्छा से। दस दे हैव एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर नेचर। इस प्रकार उसने प्रकृति पर पूर्ण तरह से कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल वार्मिंग? विश्व का औसत तापमान किस प्रकार से बढ़ रहा है? वी ह्यूमन्स आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स थॉटलेसली।
हम मनुष्य लोग कोयला, तेल आदि ईंधनों को बिना सोचे समझे जला रहे हैं। दिस हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, और इसने विश्व के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा आवरण बना दिया है। द ओजोन लेयर दैट एक्सिस्ट्स बिटवीन द सन एंड आवर एटमोसफियर इज डिप्लेटिंग डे बाई डे, और सूर्य और हमारे वातावरण के बीच में जो हमारी सुरक्षा कवच है ओजोन परत, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसका खास होता जा रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इस तरह से सारे संसार का औसत तापमान बढ़ रहा है, शायद एक डिग्री पर ईयर के हिसाब से या दो ईयर के हिसाब से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाट मेक्स एंटार्क्टिका अ क्रूशियल एलिमेंट इन द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंटार्क्टिका की क्या बात इसे जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन में एक महत्वपूर्ण तत्व बताती है। एंटार्क्टिका होल्ड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर ऑफ आइस, एंटार्क्टिका के बर्फ की परतों में 500,000 वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स दबे पड़े हैं। इसके अलावा बिसाइड्स दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की एकमात्र जगह है विच हैज नेवर सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ कभी मनुष्य नहीं रहा। दिस मेक्स इट अ क्रूशियल एलिमेंट इन द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये बात जलवायु परिवर्तन के संबंध में इसे एक महत्वपूर्ण तत्व बताती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। द चीफ एम ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वैश्विक गर्मी के खतरे से परिचित कराना था। इट वुड हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट टू आवर प्लैनेट, ये उन्हें हमारे ग्रह पृथ्वी के बारे में नई समझ और सम्मान विकसित करने में भी मदद करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, इस समझदारी के आधार पर दे वुड फ्रेम पॉलिसीज अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर, इसी के आधार पर वो भविष्य में नीतियाँ निर्धारित करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट वे डिड द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बिकम सक्सेसफुल, स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम किस रूप में सफल हुआ। द स्टूडेंट्स ऑन दिस प्रोग्राम विजुअली सा ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस कैप्स फॉलिंग, इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने अपनी आंखों के सामने ग्लेशियरों को सिमटते बर्फ की चोटियों को गिरते हुए देखा। दिस मेड देम फील, इसने उन्हें एहसास कराया दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वॉज रियल, कि जो वैश्विक गर्मी बढ़ रही है ना, ये सिर्फ झूठी बातें नहीं हैं, सच्ची बातें हैं। दस द प्रोग्राम बीकेम सक्सेसफुल, इस प्रकार ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ इन गिविंग देम अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, और ये उनकी ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा था, अनुभव था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज एंटार्क्टिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंजेस, पर्यावरण ये परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एंटार्क्टिका सबसे उपयुक्त स्थान क्यों है। एंटार्क्टिका हैज़ क्वाइट अ सिंपल इकोसिस्टम, बहुत साधारण यहाँ पर स्थिति है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जैव विविधता नहीं है, बट इन द पास्ट में इट फोस्टर्ड अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, हाँ अतीत में यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति खिलते थे। फॉर दिस रीजन, इस कारण से इट इज़ द परफेक्ट प्लेस, एक बहुत विशेष जगह है टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंजेज, पर्यावरण के परिवर्तनों को समझने के लिए। इट शोज हाउ स्मॉल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरक्यूशंस, ये दिखाता है कि किस प्रकार पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन आगे चलकर बड़े परिणाम देते हैं। व्हाट मेक्स वन लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम इन एंटार्क्टिका, अंटार्कटिका में व्यक्ति किस कारण से गहराई और दूरी तथा समय का सारा पृथ्वी से संबंधित भाव खो देता है। एंटार्कटिका इज डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, एंटार्कटिका में कोई मानव चिन्ह नहीं है, देर आर नो ट्रीज, पेड़ नहीं है, बिलबोर्ड्स और बिल्डिंग्स विज्ञापन की कोई पट्टियां या भवन नहीं है, देर इज नो सेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का कोई चिन्ह नहीं है। द प्लेस हैज़ टोटल साइलेंस, शांति है, खामोशी है। द होल प्लेस इज़ अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ आइस, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हेंस वन लॉसेस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर, इसलिए यह व्यक्ति गहराई, दूरी, समय तथा सारा पृथ्वी से संबंधित भाव खो देता। क्वेश्चन 12,
व्हाट कुड बी रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका पर वैश्विक गर्मी के प्रभाव का क्या परिणाम हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग कैन मेक एंटार्क्टिका आइस शीट मेल्ट, वैश्विक गर्मी के कारण अंटार्क्टिका की बर्फ की परत पिघल सकती है। द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट कैन बी डिसरप्टेड, गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा बाधित हो सकती है। द वाटर लेवल इन सीज एंड ओशियंस कैन बी इंक्रीज, सागरों और महासागरों में जलस्तर बढ़ सकता है। इफ़ दिस हैपेंस, अगर ऐसा हुआ, मैनी एरियाज ऑफ द अर्थ विल बी सबमर्ज अंडर वाटर, संसार का बहुत सब भाग जलमग्न हो जाएगा। दिस विल मीन डिस्ट्रक्शन टू द पीपल, इसका अर्थ लोगों का विनाश होगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।